पंजाब असेंबली में कल होने वाले सेनेट के ज़मीनी इलेक्शन में कामयाबी के लिए जोड़ तोड़ जारी। इत्तेहादी अरकान असेंबली इख्तियारात के अदम तवाज़ुन पर हुक्मरान जमात से नाराज। वलीद इकबाल और सीमी एसडी ने क़यादत से मदद मांग ली। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे क्लार्क बाजवा से। जी क्लार्क बाजवा, तफ़सीलात से आगाह कीजिए, इख्तिलाफात कम ना हो सके। जी बिल्कुल, ये इख्तिलाफात जो है ये खुलकर सामने आ चुके हैं और अब जब भी डिविजनल इजलास होते हैं तो उनमें जो एक मंत्री तय की जाती है उसमें अराकीन असेंबली के जो किले शिकवे हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। उनके तफजा जो है वो अभी तक दूर नहीं हो सके, जिसकी वजह से सेनेट के जो तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनको मुश्किल का सामना है। सेनेट इलेक्शन के हवाले से होने वाले इजलासों में अराकीन असेंबली ने कैद से भी किले शिकवे किए कि उनके काम नहीं हो रहे और ना ही उनके जो तकरार तबादले होते हैं उन पर फौरी तौर पर अगर एक किसी के कहने पर तबादला होता है तो दूसरे के कहने पर वो तबादला मंसूख हो जाता है। इस वजह से वो पुराने इतिहास के जो अराकीन असेंबली है उनको शदीद तहफात हैं और इस हवाले से वलीद इकबाल और सिमी इसी ने कैदों से मदद मांग ली है। अराकीन असेंबली के तहफात अगर बरकरार है तो सेनेट इलेक्शन में अपसेट होने का भी खर्चा, क्योंकि ये जो सेनेट के इलेक्शन है ये खुफिया रायशुमारी की बुनियाद पर होने हैं, जिसके लिए हुक्मरान इतिहास ने जो अपने हिकमत अमली तय की थी उसके मुताबिक अभी तक उनको जो गोल दिए गए थे वो अभी तक हासिल नहीं हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका इख्लाक बाजवा, तफसीलात से आगाह करने के लिए।